मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी। वैशाली गणराज्य का शासन व्यवस्था जो बुद्ध ने फर्स्ट इलेक्टोरल सिस्टम यानी जो पहला चुनाव आयुक्त कहें, जो इलेक्शन कमीशन है या जो इलेक्शन का प्रोसेस है, चुनाव का मतदान का प्रोसेस है, वो आरंभ किया, उसका आदेश दिया। वैशाली का गणराज्य बहुमत से जो आदेश पारित होगा वो सर्वोपरि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि जो जितने भी लोग हैं वो सभी सुखी रहेंगे अगर बहुजन पे आधारित निर्णय होगा तो। इस बहुजन मत को या जो बहुजन से जीतेगा, उस समय बहुजन शब्द या बहुमत नहीं बोलते थे, बहुमत बाद में नाम पड़ा, बहु माने बहुत ज्यादा है, उस समय इसका एक नाम पड़ा यद भूमसिक। यद भूमसिक जो नाम पड़ा इसका, यानी कि चुनाव, अगर आप या बहुमत से निर्णय या बहुमत से काम करना कम करना, बहुमत से काम को मानना, इसको यद भूमसिक बोला करते थे। ये एक मिक्स शब्द है, संस्कारित और पाली का शब्द है। जो ये शब्द बना हुआ है वो यद से बना हुआ है। यद का मतलब है जब, भूरी माने होता है बहुमत या विपुल यानी बहुत ज्यादा संख्या में, और यश माने होता है प्रयत्न करना या प्रसिद्धि पाना, सिक माने होता है इस प्रकार से, यानी कि यद भूरी यश सिक से ये चार शब्दों से मिलके ये शब्द बना है। इस प्रक्रिया का नाम, और संस्कारित भाषा में उसको यद भूयसिक बोलते हैं, यद भूयसिक। बाद में इसको पूरे चुनाव प्रक्रिया को यद भूमसिक बोला गया। ये प्रक्रिया बहुत इजी और बहुत बढ़िया प्रक्रिया थी, अब तक की सबसे बेहतरीन, क्योंकि ये आरंभ की गई थी। इसमें सारा का सारा जो सिस्टम बनाया, जैसे सारे भिक्कू मिलके कोई चुनाव करते थे, कोई समस्या आई तो भगवान बुद्ध कभी भी आदेश पारित नहीं करते थे। भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी के ऊपर भी अपना आदेश नहीं थोपा। वो जो भी भिक्खु संघ में कोई निर्णय आता था तो उसको संघ से ही कराते थे, बहुमत से कराते थे। कैसे कराते थे? एक भिक्खु चुना जाता था जिसके पांच गुण होते थे, वो भिक्खु इलेक्शन कमीशन होता था। पांच गुण इस प्रकार होते थे कि वो अपनी मर्जी के रास्ते में, अपनी इच्छा के रास्ते में ना आए, पहला गुण था। यानी कि उसका कोई अपना डिसीजन ना हो, ना वो इधर पक्ष में, इधर वाला जो पक्ष है उसमें झुके, ना उधर वाला पक्ष है उसमें झुके, यानी दोनों बातों से वो न्यूट्रल रहे। सबसे पहला तो उसका गुण ये था, वो न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा उसका गुण था कि उसके अंदर कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, कोई किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तीसरा था कि उसको किसी से राग भी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्यार भी नहीं होना चाहिए, ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से। तीसरा था कि उसके अंदर मोह मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, कोई उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी वो इधर झुके कभी वो इधर झुके, कभी उसका मन इधर जाए या कभी मन उसका उधर जाए, उसका मन बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। चौथा उसका गुण था कि वो भय से रहित होना चाहिए, अभय होना चाहिए, यानी उसको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि इस पक्ष के लोग क्या कहेंगे, उस पक्ष के लोग क्या कहेंगे, या बाद में मेरा क्या होगा। पांचवा है कि वो पहले से पकड़े हुए रास्ते पर ना आए, यानी कि अगर उसने पहले से ही कोई तय किया हुआ है तो उस रास्ते पर ना चले। हर तरह से न्यूट्रल होना चाहिए, पांचों गुण उसको इस प्रकार बताए जाते हैं। जब वो भिक्खु इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव कराने के लिए, यानी कि यद भूमसिक प्रक्रिया कराने के लिए वो तैयार हो जाता था, फिर वो दो तरह की सलाका लेता था। सलाका क्या होती थी? इसको बोलते हैं बैलेट पेपर, यानी कि चुनाव का मत पत्र। बैलेट पेपर उस समय लकड़ी से चुने जाते थे। दो तरह की लकड़ियां इकट्ठी की जाती थी, एक अलग रंग की एक अलग रंग की। जैसे बांस हुआ, बांस की छोटी छोटी तिल्लियां बनाई जाती थी, एक हरे रंग की और एक पके हुए बांस की पीले रंग की, या कोई पेड़ की और लकड़ी है, या दो तरह के फूल लिए जा सकते हैं, या दो तरह की कोई भी चीज। वो चुनाव का पत्र होता था, मत पत्र होता था, जिससे ये बताया जाता था कि ये सलाका या ये चुनाव पत्र इस प्रकार से है। फिर उसके पास छंददायक होता था। छंददायक का मतलब है वोटर। अब ये छंददायक जो शब्द है, ये बड़े कमाल का पाली का शब्द है। ये बना है से इच्छा और दान देना, यानी कि से इच्छा और दय। से इच्छा दय का मतलब है स्वयं इच्छा से देना। इसको बाद में स्वच्छंद बोला गया
और स्वच्छंद से ये छंद बना और बाद में ही ये शब्द दान बना, यानी कि जो दान दिया जाता है वो स्वेच्छा से दिया जाता है। तो ये स्व इच्छा यानी से इच्छा इच्छा और दान, अपनी इच्छा से देना, क्या देना, अपना मत देना, इसको खाली शॉर्ट फॉर्म में छंद बोला जाता है। तो जो छंद दायक है यानी कि अपना मत देने वाला है, जो वोटर है उसके पास वो भिक्खु दोनों सलाका लेके जाता था। अब ये तीन प्रकार से सलाकाएं होती थी। पहली होती थी गुल्लक, यानी गुल्लक आपने सुना होगा कि गुल्लक जो होती है बच्चों की, वो गुप्त पैसा इकट्ठा करती है, यानी कि उसमें चुपचाप पैसा डाला जाता है और उसमें किसी को पैसा दिखाई नहीं दिया जाता, उसको गुल्लक बोलते हैं। ये गुल्लक या गुल्लक बोला जाता है, बाद में ये गुड़क हो गया, गुल्लक से शब्द बना हुआ है, गुड़क हो गया संस्कृत भाषा में। तो गुल्लक वाला जो मत है वो कैसे पड़ता था, भिक्खु दोनों सलाका यानी दोनों वोट लेके जाता था हर एक भिक्खु के पास और कहता था ये वाले रंग की इस पक्ष की है और ये वाले इस पक्ष की है, जो चाहे वो इनमें से उठा लो, पर किसी को दिखाना मत, किसी को बताना मत। इस प्रकार इसको मत की प्रक्रिया को बोलते थे गुल्लक, यानी गुल्लक की तरह मत को देना, या इसको बोलते थे गुल्लक सलाका गह, यानी कि गुल्लक सलाका ग्रहण, इस प्रकार इसको गुल्लक सलाका ग्रहण बोला जाता था। दूसरे प्रकार का जो मत होता था वो होता था से कर्ण सलाका गह, यानी कि से कर्ण सलाका ग्रहण। से कर्ण का मतलब है, कर्ण माने जो होता है वो कान होता है, यानी कि कान के साथ में सलाका यानी बोट जो मतपत्र है वो देना, ग्रहण करना। कैसे करता था, भिक्खु सभी के पास जाता था और वो भिक्खु कान में कहता था, से कर्ण का मतलब है कान में कहता था, ये वाली जो सलाका है, ये वाला जो मतपत्र है, ये इस व्यक्ति का है, इस पक्ष का है और ये वाला इस पक्ष का है, जो चाहे वो ले लो, किसी को दिखाना मत। और तीसरे प्रकार का जो होता था वो होता था विवर्तक सलाका गह। विवर्तक का मतलब है विवर्त, विवर्त का मतलब है विवेक से लेना सलाका यानी वोट और ग्रहण करना। वो ओपन होती थी, जिसको जो सलाका जो मत लेना है वो वहां से उठा लेता था अपने विवेक से, उसमें भिक्खु कहीं नहीं जाता था। इस प्रकार तीन तरह से वहां चुना हुआ। ये जो वैशाली के अंदर सात प्रकार के झगड़े निपटाए जाते थे, यानी टोटल सात प्रकार की प्रक्रिया पूरे पूरे भगवान बुद्ध ने डेवलप की, उनमें से ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जो किसी अधिकरण, किसी मुकदमे, किसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए होती थी। ये बहुमत पर आधारित होती थी और जिसके पक्ष में बहुमत जाता था उसको ये मान्य होती थी, उसको माननी ही पड़ती थी, वो इसको नकार नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला बहुमत से होता था। इसको यद भूमसिक बोलते थे या इसको बोला जाता था यद भूयसिक, यानी बहुमत के आधार पे कम करना। ये सबसे पहले इलेक्शन कमीशन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जो पांच बातें हैं वो आज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन को हमेशा ही, चुनाव कराने वाले को हमेशा ही बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। पंच परमेश्वर की कहानी आपने सुनी होगी मुंशी प्रेमचंद की, वो भी इसी पर आधारित है। दुनिया में जितनी भी न्याय व्यवस्था है वो सभी इसी के ऊपर आधारित है कि न्याय करने वाला हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। अगर न्याय करने वाला निष्पक्ष नहीं होगा और वो प्रिजुडिस माइंड होगा, पहले से ही किसी की तरफ झुका हुआ होगा, तो उसकी आने वाली संतानें पूरी जीवन भर परेशान रहेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप कर्म बताया गया है। ये उसको कभी शांत नहीं रहने देगा, उसका मन हमेशा से अशांत रहेगा, हमेशा से उसका मन परेशान रहेगा, उसका पूरा परिवार, आसपास का क्षेत्र, लोग हमेशा उस पर उंगली उठाते रहेंगे, उसका खुद मन उसको बताता रहेगा कि उसने चुनाव कराते समय, चुनाव के समय, इलेक्शन के समय कितना पक्षपात किया, वो चुनाव का अधिकारी नहीं था, वो एक सज्जन पुरुष नहीं था, वो चुनाव के कराने के लायक नहीं था। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Gacchami.